उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में श्री मारुति महायज्ञ का समापन यज्ञ और भंडारे से हुआ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में श्री मारुति महायज्ञ समापन याद आते हुए भंडारे से संपन्न। आजमगढ़ जिले के सुप्रसिद्ध भवन नाथ मंदिर से 5 किलोमीटर इंदौर कुंशीदासपुर स्थित खोजापुर माधव पट्टी गाँव के प्राइमरी पाठशाला पर श्री मारुति महायज्ञ आयोजन सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया। ये कार्यक्रम 25 जनवरी से शुरू होकर 2 फरवरी तक यज्ञ आहुति 3 फरवरी भंडारे से संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम विशेषज्ञ श्री अशोक तिवारी के आचार्यत्व के सानिध्य में हवन पूजन राम कथा का आयोजन किया गया। यज्ञ का 11वां साल सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानस प्रवक्ता व प्रचंड कथावाचक बाल गोविंद शास्त्री अपने वीर रस वाणी से भाव विभोर कर रहे थे। रामकथा का व्याख्यान करते हुए कहा कि राम के आदेशों पर चलना मनुष्य के जीवन का एकमात्र लक्ष्य होता है। जो लक्ष्य से दूर होता है उसे परेशानी का सामना करना होता है। रामकथा सुनने के लिए दूर दराज के गांवों से भक्तों का हुजूम उमड़ा था। कार्यक्रम का मुख्य रूप से सफल बनाने वाले भक्तगण रमेश यादव उर्फ साधु, ग्राम प्रधान माधव पट्टी, सचिव प्रबंधक गिरधर पहलवान, पूर्व महाप्रधान समाज सेवी ब्रजेश यादव, इंद्रेश यादव, समस्त ग्रामवासी के सहयोग से संपन्न हुआ। यज्ञ 11 साल से हो रहा है हमारे यहाँ खोजापुर माधव पट्टी और इससे हम कराने से हमसे बहुत मिलती है। हमारे अगल बगल गाँव वाले हैं सब आते हैं। सबके गांव से सहयोग होता है। एक जगह हमारे प्रधान रमेश यादव के नेतृत्व में होता है और गिरधर पहलवान के नेतृत्व में, और इससे हम सबसे खुश हैं।